हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं नई 6 बुलेट ट्रेन की। जैसे कि आप सबको पता है कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो 70% काम कंप्लीट हो चुका है। अब दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में भी बुलेट ट्रेन चलेंगी और लगभग 6 नई बुलेट ट्रेन पे भी काम शुरू हो जाएगा। और ये सारी जानकारी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड नए नए अपडेट्स इस चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड करते हैं। तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चल रही है उस पर 70% काम हो चुका है। वहीं दिल्ली से वाराणसी समेत है ऐसी नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जहां पे नई बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। इन नई 6 बुलेट ट्रेन में प्राइवेट कंपनियां भी टाई अप करेंगी, जिससे उनको भी कुछ प्रॉफिट होगा और इससे रेलवे का बजट जो है वो बचेगा। लेकिन इस समय कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे काम थोड़े से धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते से इन सब कामों में तेजी आई है। और जितनी भी 6 नई बुलेट ट्रेन चलेंगी, उन सब में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन को दी जाएगी। यानी कि उसका जो काम है, कंस्ट्रक्शन का काम, वो सबसे पहले खत्म किया जाने की कोशिश की जाएगी। वहीं इसके बारे में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव का क्या कहना है, वो कहते हैं कि रेलवे के आधुनिक व विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। इसमें भारी पूंजी की जरूरत होती है, जिसके लिए निजी निवेशकों यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आमंत्रित किया जाएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते कई परियोजनाओं का काम ठप पड़ चुका है, लेकिन अब वो चालू होने लगे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन पे काफी हद तक काम खत्म हो चुका है। और दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की परियोजना के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने पिछले हफ्ते टेंडर जारी कर दिया है। तो अभी कुछ आंकड़े सामने आया है, 865 किलोमीटर की दूरी को बुलेट ट्रेन 4.5 घंटे में पूरा कर सकेगी, जबकि इस ट्रेन का सफर दिल्ली आगरा वाराणसी पटना हावड़ा 1625 किलोमीटर का होगा। दूसरी परियोजना दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद के बीच 886 किलोमीटर की होगी। तीसरी योजना मुंबई नासिक नागपुर की 753 किलोमीटर की होगी। चौथी मुंबई पुणे हैदराबाद के बीच 711 किलोमीटर लंबी। पांचवी परियोजना चेन्नई बैंगलोर मैसूर के बीच 435 किलोमीटर लंबी होगी। छठवीं परियोजना दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना अमृतसर के बीच 460 किलोमीटर की लंबाई होगी। इन सभी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट यानी कि डिटेल में रिपोर्ट जो है अगले साल तक आ जाएगी, यानी कि 2021 तक इनकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी कि इन पे कब और कैसे काम स्टार्ट होना है। अब बात कर लेते हैं इनसे फायदा क्या होगा। तो फायदा वही होगा कि हाई स्पीड ट्रेनों से दो शहरों के बीच की सफर तय करने में समय कम लगेगा, रोजगार का विस्तार होगा यानी कि रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए, और दुर्घटनाएं नहीं होंगी। और हाई स्पीड ट्रेन जो होती हैं वो पूरी इलेक्ट्रिफाइड होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पॉल्यूशन होगा वो 0% होगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो को लेकर के मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियोस इस चैनल पर रोज प्रोवाइड करते हैं।